तो देखिए, फार्मा में अगर आप बात करिए तो सन फार्मा डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखता है। और अगर यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला तो आई थिंक आपको 1200-1210 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि वीकली चार्ट पे तो 1080 रुपए के ऊपर ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है, तो यहाँ पर ट्रेंड आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए। करेंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1134 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइए, 1175 और उसके ऊपर 1200 के टारगेट सेट करिए। ओके चलिए।